पूर्व बेमेतरा में आयोजित हुए दिव्यांग शिविर में भारी अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिला है, जबकि यह शिविर दिव्यांगों को खास सुविधाएं देने के उद्देश्य से लगाया गया है। विकासखंड स्तर पर आयोजित इस शिविर में दूर दराज से आए हुए दिव्यांगों को प्रमाण पत्र वितरित करने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद नहीं थे, जिसके चलते इस शिविर में आए हुए दिव्यांगों को एक टेबल से दूसरे टेबल तक भटकना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर दिव्यांग जनों को डॉक्टर भीमराव स्मृति अस्पताल रायपुर के लिए रेफर करने का पर्चा थमा दिया गया, जिसके चलते ब्लॉक स्तर पर आयोजित इस शिविर को महज एक आयोजन बनकर ही रह गया। दिव्यांगों ने आक्रोश जाहिर करते हुए शिविर को ढकोसला बताया और निराशा भी जाहिर की है कि हम पहले भी समस्याओं का सामना कर रहे थे और आज भी लज्जित होकर हम यहां से वापस लौट रहे हैं। यहाँ पर जो डॉक्टर यहाँ भेजा गया है वो जितने भी आ रहे हैं मुख बधिर नाक कान गला वाले या इनके जितने ही परेशानी वाले, उनको सीधे सीधे ये लोग कहते हैं कि हमारे पास मशीन नहीं है, न ही हमारे पास कोई साधन नहीं है, न ही हमारे पास कोई डॉक्टर है, अतः हम इनको सबको रायपुर भेज रहे हैं। सर, हम लोगों को तकलीफ ये हो रही है कि ब्लॉक स्तर में शिविर लगा है नाक कान गला का एंड पैर से, और यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। स्वागत जानकारी के लिए बात करेंगे स्वास्थ्य संवाददाता दिलीप साहू से। दिलीप, शिविर को लगा दिया और औपचारिकताएं पूरी कर दी गई? देखिए, मामला बेमेतरा जिला का है। बेमेतरा जिले दिव्यांग शिविर लगाया गया था एक दिवस, न वहाँ पर डॉक्टर पहुँचा, न वहाँ पर आदिमी कल्याण भारत के कर्मचारी पहुँचे, और कई दिव्यांग लोग घूमते रहे, उनके भी ना पानी की व्यवस्था किया गया, ना तो खाने पीने का, एक टेबल से दूसरे टेबल घूमते रहे दिव्यांग लोग। इन अनियमितताओं को लेकर जिला प्रशासन का, स्वास्थ्य विभाग का क्या कुछ कहना है? जब इंतजाम ही नहीं करने थे तो शिविर लगाकर महज औपचारिकता क्यों पूरी की गई? दिलीप, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हेलो जी दिलीप, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। तो तैयारियों के बिना ही और इस वक्त हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी सतीश जी जुड़ गए हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका। जिला शिक्षा अधिकारी नहीं मैडम, मैं जी स्वास्थ्य जी, माफ कीजिएगा, स्वास्थ्य अधिकारी। सतीश जी, क्या वजह बताई जाती है कि यहाँ पे आप लोगों ने शिविर का आयोजन किया लेकिन तमाम बद इंतजामी देखी गई है, जब तैयारियां ही पूरी नहीं की गई तो उसके बाद आखिर इस तरह के शिविर का आयोजन करने का क्या औचित्य सर? उसमें क्या मुख्य रूप से जो दिव्यांगों को अपन जो सुविधाएं दे सकते हैं, उनका UDID और साथ ही साथ उनका जो सर्टिफिकेट बनाने का है, तो वो उस हिसाब से वो शिविर रखा गया था ताकि उनको इसलिए भटकना मत पड़े। थोड़ा सा वो वर्षा ऋतु के कारण जरूर कुछ फर्क पड़ा है सर, डॉक्टर ही नहीं पहुंचे तो आप सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे सर? मैडम, उसमें मुख्य तौर पर आरतो के आते हैं हमारे के द्वारा 44 बनाए गए, और उसके मेंटल से भी संबंधित डॉक्टर उनके द्वारा 12 बनाए गए, नेत्र के 2 ही बनाए गए, और इससे जो गला से संबंधित वो 5 वो, क्योंकि उसमें मैडम क्या है कि थोड़ा सा जांच उनकी करवाने के बाद बन जाते हैं सर। ज्यादातर लोगों को तो आप लोगों ने रायपुर रेफर कर दिया, फिर शिविर का आयोजन कैसे किया गया था सर? आप मुझे ये थोड़ा सा समझा दीजिए, मैं समझने की कोशिश ये कर रही हूँ कि सर सुन लीजिए, मेरा सवाल सुनिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आप जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, हाँ, जिला स्वास्थ्य अधिकारी हैं, पूरे जिले की जिम्मेदारी आपकी है, अब आप मुझे ये बताने की थोड़ी सी जहमत उठाइए कि डॉक्टर क्यों नहीं पहुंचे, खाने पीने के इंतजाम नहीं किए गए, प्रॉपर उनको अटेंड नहीं किया गया। भाई, जो पहले से ही परेशान है उसके ऊपर तो आप लोगों ने एक बार फिर से बोझ डाल दिया। उसमें मुख्य तौर पर क्या है, समाज कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित किया है, हम लोगों के द्वारा उसमें सेवाएं दी गई, और उसमें जो कुछ आवश्यक जांच के डेटा टेस्ट आर्डियोमेट्री है बिल्कुल रिपोर्ट, और लगभग 79 के लगभग आए थे और उसमें 63 के लगभग जो उनको परीक्षण करने के उपरांत उनको सेवाएं दी गई मैंने।
ठीक है, स्वास्थ्य कल्याण विभाग के द्वारा इस शिविर का आयोजन किया गया, आप लोगों ने अपनी सेवाएं वहां पे प्रदान की, तो क्या कोऑर्डिनेशन नहीं था? आप तो यहाँ पे सतीश जी ने फोन काट दिया कि ताकि उनसे सवाल और ना किया जाए, क्योंकि सवाल किया जाए तो उनके पास जवाब ही नहीं था, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है भाई, स्वास्थ्य जिले के स्वास्थ्य अधिकारी हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए साफ नजर आ रहे हैं। और स्वराज एक्सप्रेस ने जब उनसे सवाल पूछा तो किसी भी सवाल का वो माकूल जवाब नहीं दे पाए, बस यही कहते रहे कि हमको सिर्फ सर्टिफिकेट बनाना था, हमने बना दिया, क्योंकि हमें सिर्फ औपचारिकता निभानी थी। दिलीप साहू हमारे सहयोगी जुड़े हुए, दिलीप औपचारिकता फोन पे भी पूरी करके यहाँ पे सतीश जी चले गए, तो बेबेटवा में आयोजित हुए दिव्यांग शिविर में भारी अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिला, जबकि यह शिविर दिव्यांगों के लिए खास तौर पे सुविधाएं देने के उद्देश्य से लगाया गया, और सुविधाएं ऐसी दी कि जो पहले से ही परेशान है उसको और ज्यादा परेशान कर दिया गया। विकासखंड स्तर पर आयोजित इस शिविर में दूर दराज से दिव्यांग आए हुए थे, प्रमाण पत्र वितरण करने के लिए कई स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को बुलाया गया था जो मौजूद ही नहीं थे, होते भी कैसे, बारिश का बहाना जो दे दिया। यहाँ पे आपने सतीश शर्मा जी को भी सुना, और जिसके चलते इस शिविर में आए हुए दिव्यांगों को एक टेबल से दूसरे टेबल भाई भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा। नतीजा तो ये हुआ कि अधिकांश दिव्यांग जनों को रायपुर रेफर किया गया है। दिलीप साहू एक बार फिर से जुड़ गए हैं, दिलीप और क्या जानकारी इस पूरे शिविर को लेकर? दिव्यांग शिविर एक दिवस लगाया गया था ब्लॉक स्तरीय, जहाँ दिव्यांग पूरे आस पास के जितने दिव्यांग है वो आए हुए थे जिले में, लेकिन वहाँ पर ना डॉक्टर पहुँचा, ना आदिम कल्याण विभाग के कर्मचारी पहुँचे, कोई भी पहुँचे, ना उनको व्यवस्था किया गया, ना कहीं बैठने का व्यवस्था, ना कहीं पानी का व्यवस्था, इधर उधर बस टेबल चेंज करते रहे, उस टेबल में जाओ, उस टेबल में जाओ। उसके बाद मेकाहारा रायपुर उनको मेडिकल हॉस्पिटल भेज दिया गया, पर्ची लेके वहाँ आना, वहाँ इलाज होगा, वहाँ सर्टिफिकेट मिलेगा, ऐसा बोलते उन लोग को हवाला दे के, डॉक्टर लोग और वो कर्मचारी थे वो लोग ऐसा हवाला देते रहे उन लोग को। चलिए शुक्रिया जानकारी के लिए।